हरदोई के मोहल्ला मेहमंद में पत्नी को लेकर चल रहे विवाद के कारण ससुर ने दो चचेरे भाइयों के साथ मिलकर दामाद को गोली मार दी है। गोली दामाद के पेट में लगी है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मेहमंद निवासी महमूद हसन ने आरोप लगाया है कि वह टहलने के लिए अपने घर से निकला था। उसी समय धर्मकांटे के पास महमूद हसन के ससुर और दो चचेरे भाइयों ने उसे पकड़ लिया और एक बाग में ले जाकर गोली मार दी। पेट में गोली लगने के कारण युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए हरदोई जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताते चले कि युवक की 4-5 साल पहले शादी हुई थी, तभी से उसके ससुराल से उसका विवाद चल रहा था। क्या नाम है आपका? महमूद हसन सर। कैसे गोली लगी आपके? अगली सार ने मारी। क्यों, क्या कारण? सर, हम टहलने जा रहे थे, उन लोगों ने हमें देखा और निसार ने हमें बुलाया और निसार ने कहा कि अपनी लड़की ले, मेरी लड़की ले जाओगे? नहीं, हमने कहा ले जाएंगे, जब अपने मेरे बाप का केस 76 वाला निपटा दो। तुमने झूठा मुकदमा मेरे पापा के ऊपर लगाया, वो निपटा दो और हम लिए जाएंगे लड़की। मेरे दो बच्चे, लड़की छोड़ नहीं रहे। उन्होंने कहा लड़की नहीं, आज तू ही छोड़ रहे, आज जिंदगी तेरी हम ले लेंगे। और बस गोली सर मेरे ऊपर बिंद गए वो लोग और मेरे पर गोली मार दी। ये चाकू मारा मेरे मोहम्मद ने, निसार ने गोली मारी। 9 साहब के हाथ में भी तमंचा था सर, इनने भी फायर चलाया। जी, शाहबाद का क्या मामला सामने आया है और क्या कार्रवाई की जा रही है? शाहबाद कस्बे के ही एक महमूद हसन है। इनका आरोप है कि इन्हें आज सुबह इनके पेट में इनके ससुर ने गोली मार दी। इस पर अब तक की सूचना अनुसार इनका अपनी पत्नी और ससुराल पद से विवाद है। 4-5 साल पहले इनकी इनका विवाह हुआ था और इन्होंने अभी तक जो आरोप लगाए हैं अपने सगे ससुर और दो चचेरे ससुर के ऊपर इनका आरोप लगाया जा रहा है। ये जिला चिकित्सालय हरदोई में इनको रेफर किया गया है, जहाँ इनकी हालत ठीक है और इसमें हम लोग फोरेंसिक टीम द्वारा भी साक्ष्य इकट्ठा कराए हैं और इस प्रकरण में हम शीघ्र ही न्यायोचित विवेचना कर प्रगति से अवगत कराएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक